बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बड़हरा प्रखंड स्थित काली मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां पर उनकी भव्य स्वागत की गई। विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद मौजूद दिखे। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 34 दंडाधिकारी, 34 पुलिस पदाधिकारी तथा भारी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बखोरापुर काली मंदिर परिसर में मेगा हेल्थ कैंप के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्यपाल फागू चौहान के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे और बहुत सारे सामाजिक व व्यवसायिक संगठन के लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। आप ही के बगल में बैठे हैं पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी और निपक्ष के सूत्रधार जिनको मैं बड़े ऐसी ही माने हमारी भावना है। अब पीछे की पंक्ति में सभी देश के जन जन के नेता और हम सभी बिहार वासियों के लिए सबका सुख दुख में हिस्सा बनने की सोच रखने वाले, पूरे बिहार के जनपद की चिंता करने वाले और समाज के अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति है उसके बारे में सोचने वाले हम लोगों के बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी का मैं इस जय मां काली बखोरापुर वाली के पास में आपका स्वागत और जयप्रकाश नारायण जी का अलग स्लोगन वी स्टार। मित्रों ये चुनरी चढ़ाई हुई चुनरी है मंगल पांडे जी, हिमाचल प्रदेश हो या बिहार हो, पूरे भारत को जोड़ते हैं पंडित जी की रक्षा करते हुए। जयप्रकाश बाबू आगे बढ़ाएंगे। दो मित्र खाने वाले रोगी हैं, सबको निश्चित कप लेके व्यवस्था समाज सेवा देकर समाज में मिसाइल कायम की है। इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के और सामाजिक दृष्टि से भी वरिष्ठ नेता श्री हरेंद्र प्रताप जी, आदरणीय गोयल जी, आदरणीय तिवारी जी, जयप्रकाश जी, कैप्टन विजय शंकर बाबू उपस्थित इस अवसर पर, सभी गणमान्य चिकित्सकगण उपस्थित, देवियों सज्जनों और दूर दूर से आने के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री हरेंद्र प्रताप जी जी मंच पर बैठल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीपी तिवारी जी जी उपस्थित, श्री यज्ञ नारायण तिवारी जी, श्री रोशन कुशवाहा जी, श्री सुशील कुमार जी, श्री महेश गोयल जी, श्री गोपाल सिंह जी, डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर जी, श्री भाई परमेश्वर जी, जयप्रकाश जी, श्री बीडी सिंह जी, भाजपा के जिला के अध्यक्ष श्री मिथिलेश कुशवाहा जी, लोजपा के जिला के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर अमरकांत झा अमर जी, पद्मश्री डॉक्टर, ये लोग अपन प्रैक्टिस छोड़ के अपन काम छोड़ के ये मेगा हेल्थ कैंप में वहां सब लोग आई बनी आई जी के गरीब लोग के आज उपचार कर। हमनी के देश के प्रधानमंत्री जी के सपना आयुष्मान भारत के, हमनी के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपना बा कि राज्य स्वस्थ हो के, राज्य जब स्वस्थ हुई तबे राज्य समृद्ध हुई, बिहार के जब समृद्ध बनावे के बाद तो बिहार के हमनी के स्वस्थ रखे के पड़े और ये देश के यदि दुनिया के नेतृत्व करे वाला बनावे के बाद तो ये देश के आयुष्मान बनावे के पड़े। सपना देश के प्रधानमंत्री जी के और वो सपना के साकार करे खातिर आज ये हेल्थ कैंप पाव लगा सभी आज
विराजमान इस विशाल स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन करता माननीय महामहिम राज्यपाल श्री ठाकुर चौहान जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, इस मंच पर विराजमान भाई श्री हरेंद्र पांडे जो पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे और 74 आंदोलन के हमारे साथी हैं, एमएलसी भी रहे, यहाँ के अभी भी वाइस प्रेसिडेंट के नाते उपाध्यक्ष के नाते हैं और साथ ही यहाँ पद्मश्री डॉक्टर गोपाल जी, जिनके बारे में आप डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा बहुत ही प्रमुख चिकित्सक है, साथ ही पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कैंसर विशेषज्ञ है और आईएमए के बहुत सारे चिकित्सक के सभी श्रद्धात नागरिकगण चिकित्सकगण देवियों एवं सज्जनों, महामहिम राज्यपाल जी का उद्बोधन हम सुनने वाले, उनका आशीर्वाद हम सब ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल जी इसी बिहार के बगल के उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो बलिया जिला के बगल में ही इनका वो क्षेत्र भी रहा है। अब ये आप इस माता के मंदिर में पहली बार राजभवन से निकल करके भोजपुर के इस बात बखोरापुर में आज यहाँ हेल्थ शिविर लगा हुआ है। राज्यपाल महोदय आए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए हैं। क्या यहाँ पे भीड़ किस लिए लगा हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? दिखवाने आए लोग, हम लोग आए हैं। क्या दिखवाने आए थे यहाँ पे? कितने देर से खड़े हैं आप लोग? कितना देर से? सुबह से खड़े हैं। डॉक्टर कोई भी नहीं आया यहाँ पे? कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है? कोई नहीं। अरे आइए, बढ़िया कितने देर से बैठे हुए हैं आप? 2.5 घंटा से। कहाँ दिखाने आए हैं यहाँ पे? आँख। कोई नहीं आया अभी तक डॉक्टर में? कुछ कोई किसी से बताया है यहाँ के कार्यकर्ता से बताए हुए हैं, मंदिर के जो कार्यकर्ता है? ये लोग बताया है, जो पुलिस लोग आए ये लोग बताया है, यहीं पे बैठे लोग बताए लोग। अरे हम कराएंगे ना,
अश्वनी चौबे साहब के साथ आयुष्मान भारत की परिकल्पना के साथ जो उन्होंने उद्घोषण किया, तिलक अभिषेक किया, वो जिन वाणी की पवित्र परिकल्पना रही, मान का प्रसाद पीना चाहिए। आज उन्होंने 10 क्विंटल